हमारे बुद्धिमान राम दर्द वेद जी अध्यक्ष फौजदारी मार्ग श्रीमान राम प्रकाश पांडे जी विवेक उत्तर प्रदेश के मेंबर शहर करेंगे नगर करेंगे नगर करेंगे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान रविशंकर त्रिपाठी जी अनुकाश पांडे जी विवेक मणि श्रीवास्तव जी और रसिक विहारी तिवारी जी और आदरणीय श्री रसिक विहारी तिवारी जी रविशंकर त्रिपाठी जी श्री राम नारायण रवि जी और ब्रिटिश नेता आदरणीय श्री आदरणीय 22 सितंबर को दोपहर बैठक को भी प्रशासनिक अधिकारियों माला प्रदर्शन की स्वागत करेंगे। हाँ बैठक की आज उपलब्धता ये रही कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हैं उस पर तमाम ग्राम प्रधान ये ओपन जिम लगवाना चाहते हैं और जिसकी स्वीकृति आज हमने दिलवाई कि 5 लाख रुपए तक का वो अगर ओपन जिम अपने गांव में लगाना चाहते हैं उसके लिए अगर गाँव में खेल मैदान उपलब्ध है तो खेल के मैदान में लगा लें और अगर वहाँ पर नहीं है तो अगर गांव में पंचायत के स्कूल हैं इसके जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें 5 लाख तक के स्टूडेंट को लगा सकते हैं। ये खेलो इंडिया और फिट इंडिया के लिए ये ज़रूरी कार्यक्रम है तो उस पर जिलाधिकारी ने जो है सहमति प्रदान की है समझते हैं कि इस बैठक की आज उपलब्धता है। नेताजी देखिए 42,800 कुछ जवान इस कश्मीर की समस्या में अब तक सही और ये आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और अंतिम सांस लेते लेते कुछ ऐसी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं क्योंकि ये लड़ाई अंतिम दौर में है। लेकिन 5 जो हत्या हुई उसको लेकर के हमें हमदर्दी है नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समस्या को लेकर के 2-2 बार युद्ध हो चुके हैं और 42,892 जवान इस पर शहीद हो चुके हैं तो ये आतंकवाद अपना अंतिम सांस ले रहा है कि अंतिम नहीं उनको रोक कौन रहा है वो जान उनको रोक कौन रहा है लेकिन ये क्या कहेंगे वो सबको मालूम है। ये क्या कहेंगे ये सबको मालूम है कहेंगे क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल उठा चुके हैं एयर स्ट्राइक पर ये सवाल उठा चुके हैं 370 पर ये सवाल उठा चुके हैं और ये 3 महीने 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए तो छोटी मोटी घटनाएं तो होंगी और या हो रही है लेकिन तुलना करके देखें कि पहले कितनी घटनाएं होती थी आज कितनी घटनाएं हो रही हैं और सबको मालूम है इनको क्या कहना है इनको भी भेजा जाएगा जल्दी भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है इनके जाने से वहाँ हालात ये जाना नहीं चाहते ये केवल मीडिया में बयान देना चाहते हैं जाना चाहे कौन दिक्कत नेताजी क्या इनके सवाल बवाल पैदा करते हैं जब इनकी नीयत साफ नहीं है वही बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है पाकिस्तान सुनना चाहता है इन्हीं के बयान को आधार बना पाकिस्तान चाहता है तो इनके बयान सबको मालूम है और इन उसका खामियाजा भी ये भोग चुके हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं लगातार जैसे जैसे रिजल्ट आए हैं इसका खामियाजा भी भोग चुके हैं तो आने वाले समय में भोगेंगे। क्या नहीं लगता है कि ये देश के अस्मिता के साथ राजनीति की जा रही है इस तरीके की अपना अपना एजेंडा है साहब एजेंडा वो चला रहे हैं उन्हीं की समस्या दी हुई थी उसका समाधान हुआ है लेकिन कोई एक रोज के अंदर 2 रोज के चमत्कार क्या कोई एक कर्णधार मानते हैं इन सब पीछे के है? इन सब के पीछे कोई एक कर्णधार मानते हैं जो हो रहा है जिस तरीके से कश्मीर के लिए राजनीति की जा रही है जिस तरीके से विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रहा है दूसरे देशों में जा के ये बात कही जा रही है आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं राजीव गांधी जी के जो बयान आए उसी को कोर्ट करके वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गए और ये क्या बोलेंगे सबको मालूम है जहाँ जाते हो क्या बोलेंगे सबको मालूम है।
नेताजी महाराष्ट्र में चुनाव हुए और नतीजे भी आ गए, तो क्या लगता है जो शिवसेना का जो अपने मांगे हैं उसको देखते हो, जो असमंजस की स्थिति बन रही है अभी, बाल ठाकरे उप मुख्यमंत्री का अपने बेटे को पद मांग रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि सामना में छपा हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये डाट फिक्स हो जाएगा कि अभी कुछ रुपये काल में गड़बड़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सक्षम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, और जिस दिन शिवसेना प्रमुख और अध्यक्ष जी बैठेंगे ये सब समाधान हो जाएगा। तो 56 पर 105 भारी होने का क्यों ऐसा प्रयास किया जाए? आखिर क्या जाता है, ताकत बढ़ाना चाहिए? देखने मैं तो चाहता हूँ वो निकाले, वो बेचारे इतने आराम तलब हो गए हैं, निकलते ही नहीं। आप जानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में और हमारे संगठन में इसमें ये चिंता हो रही है कि अपोजिशन को कैसे मजबूत, अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का शुभ लक्षण है स्ट्रांग अपोजिशन, ये लक्षण है, लेकिन दुर्भाग्य है वो घर बैठे। नहीं तो सांसद जी द्वारा आपने नहीं किया है, जनता पार्टी ने कमजोर किया है। नहीं सांसद आप बिजली चलाने से कौन रोकता है भाई सांसद।